गति से अपने शरीर को ऐसे नचाती है, ऐसे तीव्र गति से कि सुखदेव जी कहते हैं भंजन मध्य, ऐसा तीव्र गति से अपने कटी प्रदेश को हिलाते लगा कि कमर टूट गए, पत्नी कमर और टूट, भंजन मध्य चलत कुछ पटई, कुंडलो गंडलो नहीं। ये नृत्य है रास में, जितना स्फूर्ति होगा वही तो रास कर सकता है। रास में श्याम सुंदर जब हार जाते हैं तो भागवत में लिखा गया वाह वाह रास नृत्य छोड़ करके वाह वाह प्रशंसा करने लगते, वाह कभी प्यारे श्याम सुंदर गाते हैं और उनके गान को भी आगे करके पंचम स्वर में प्रिया जी गा देती है तो प्यारे श्याम बस बहुत अच्छा करने लगते हैं। तो प्रिया जी अपने कमर को इतने तीव्र गति से मोड़ती हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि बस बस कमर टूट गया, भंजन मध्य लगता है टूट गया, कुछ पटई कुछ का वस्त्र हट गया, कुंडलही गंडलोलही, उनके कान के कुंडल कपोल पर बार बार लग रहा है। श्रीदन मुख्य कवर रसना ग्रंथज कृष्ण बद्धो, सुखदेव जी कहते हैं ये सब कृष्ण की बहुए हैं, यहाँ पर किया भाव नहीं है सुखीय भाव, क्योंकि निभृत निकुंज में कोई डर नहीं, जब निकुंज में चलते हैं ना तो वहां स्वकिया प्रक्रिया कुछ नहीं, स्वकिया प्रक्रिया विशेष है और वहां पर कोई डर नहीं, दूसरा कोई डर करवाता है तब तो डर होता है, लेकिन निकुंज में जब लीला प्रारंभ हो गया रास तो उस समय सब होता। सुखदेव जी कहते हैं श्विंदन मुख्य कवर रसना ग्रंथ यह कृष्ण बद्धो, ये कृष्ण की बहुए, कवर रसना ग्रंथ है उनकी चोटी ढीली हो, चोटी में जो बेला चमेली के फूल खुशी हुई थी वो खुश खुल खुल गया, गायन तस्तम तड़ित युवता मेघ चक्रे बिरेजु, कृष्ण के साथ रास नृत्य के समय चंचल पदक्षेप चल रहा है, कितना चंचल कृष्ण का पैर है वो तो सब जानता है, कृष्ण का पैर इतना चंचल है, भागवत में है कि 1100 फन से काली नाग नृत्य कर रहा है और कृष्ण इतने तीव्र गति से नृत्य करते हैं कि जो फन उठाता है काटने के लिए उसी पर मार देते हैं, और देखिए 1 सेकेंड के अंदर 100 फन पर पैर मार दिए, ऐसा इनका नृत्य है। तो चंचल पदक्षेप, चंचल चरण कमल है भगवान, और उनके लता पता इत्यादि हाथों का हिलाना रास है ना, बाहो प्रसाद परिरंभ कराल कोरो निविष्ट नाल नव नर्मन खाग्र पात ही छल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणा मोत्तम भयं रतिपतिम रमणाश्चकार, ये रास चल रहा है, अपने हाथ को हिलाना बाहु प्रसाद परिरम कर उरु निधि का स्पर्श करना, उनकी सहास रास करते समय मधुर मुस्कान, ये मुस्कान भी तो है, अरे भाई नाचा जाता है केवल पैर से ही नहीं नाचा जाता है, हाथ से नाचते हैं, मुंह से नाचते हैं, भौं से नाचते हैं, मधुर मुस्कान के द्वारा नाच हो रही है, कंप उनके अस्तन कंप कांप रहा है, स्खलित उत्तरीय वास उनके वस्त्र गिर रहे हैं, गंडस्थल पर झूलते हुए कुंडल बार बार लग रहा है, श्री अंग में पसीना हो गया है, उनकी कबरी खुल गई है और उनका निवि बंधन भी खुल गया, ये ब्रज गोपियां श्री कृष्ण गुणगान करती हुई मेघ चक्र के समान विद्युत लता की तरह उस प्यारे श्याम सुंदर के साथ नृत्य कर रही है। मंडली बंधे गोपीगण करे नर्तन,
मंडली के बीच में गोपियां नृत्य कर रही है, मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य चरितामृत में लिखे हैं, रास चल रहा है, सभी गोपियों के साथ श्री कृष्ण है, लेकिन किसी गोपी को ये पता नहीं है कि ये कृष्ण दूसरे के साथ है, वो लगता है हमारे साथ। अगर ये किसी गोपी को पता चल जाए कि उसके साथ भी कृष्ण है तो सब्जी अडा हो जाए, तो माया का काम। माया माने जो माया, सभी गोपियां देखती हैं कि कृष्ण मेरे साथ ही दूसरे के साथ नहीं। अब राधा रानी को पता चल गया, तब मान भंग हो गया था, मान हो गया। राधा रानी देखी कि ये श्री कृष्ण रास हमारे साथ कर रहे हैं और उस गोपी के साथ भी कृष्ण है, तो राधा रानी रूठ गई। तो किंकरी के रूप में श्रीपाल देख रहे हैं राधा की कैसी अपूर्व नृत्य कला की माधुरी है, कैसी नृत्य कला है, जतपाद पद्म नभचंद्र मणि जटाएं, ऐसा नृत्य। देखो भाई, किंकरियों का दृष्टि अन्यत्र कहीं नहीं जाता है, केवल किशोरी जी को जाता है, उनका कहीं मन जाएगा नहीं। एक सेकेंड के लिए भी मंजरी का मन अन्यत्र चला गया तो व्यभिचार हो जाए। सबसे बड़ी पतिव्रता मंजरियां हैं, उनकी केवल राधा निष्ठा, कृष्ण निष्ठा नहीं है। कृष्ण से तो इसलिए बात कर लेती हैं कि ये पियाजी के प्यार है, उनको कोई मतलब नहीं है, केवल राधा निष्ठा। राधा का स्नेह ही देखती हैं, राधा रानी के स्नेह के अतिरिक्त उनका अन्यत्र कहीं मन नहीं जाता। और प्रिया जी का जो चरण कमल है और चरण कमल की जो अंगुलियां हैं, उन अंगुली पर दृष्टि गई है। कैसी मुग्ध है, अंगुली मानो एक कमल का फूल है और अंगुली दल है, ये सब दल, 10 दल है। और उसके छोर पर नख मानो मणि की तरह झिलमिला रहा, छोर पर ये नख है ना, ये नख ध्यान करते हैं योगी लोग, ध्यान करते हैं योगी माने मंजरी भावक पर साधक लोग ध्यान करते हैं। प्रिया जी के चरण कमल गोरा गोरा चरण कमल है और उसका नख मणि, नख से टिक भी ज्योति निकल रहा है, प्रबोधानंद सरस्वती पास ध्यान कर रहे हैं। नख मानो मणि की तरह झिलमिला रहा है, माथुर देखकर किंकरियों का, प्रिया जी के नख मणि चंद्रिका का ध्यान करके मंजरियां मुग्ध हो जा रही, बस। अरे बड़ा भारी संपत्ति मिल गया, इससे बड़ा संपत्ति अब क्या है साधक, प्रिया जी का चरण कमल, उसमें से अंगुली दल और दल के ऊपर मणि, ये नख से ज्योति निकल रहा है, उसी में चित्त मुग्ध है। बस साधक भी अपने चिंतन में माधुर्य स्वादन का सौभाग्य प्राप्त कर लेते, प्रतिदिन प्रिया जी के चरण कमल का ध्यान, चरण कमल के साथ नख मणि का ध्यान, यही अभिष्ट के माधुर्य का स्वादन करने का मूल लक्ष्य है, यही मन रहते प्रिया जी के चरण कमल स्मरण तथा अभिष्ट, यही रूप गुण लीला आदि का माधुर्य होना। स्मरण का ये नहीं कि जबरदस्ती मन को फंसा कर ऐसे करो, अरे कहीं भी मन लग गया तो वहीं टिके रहे। एकादश स्कंद में सुखदेव जी जब वर्णन करते हैं भगवान के रूप ध्यान का, तो नख से शिख तक, शिख से नख तक का ध्यान करते हैं, और ध्यान करते समय कहते हैं यदि साधक का मन किसी अंग पर टिक जाए तो वहीं टिकते रहने, भगाना नहीं, वहीं टिक गया, नख पर टिक गया, चरण कमल पर। ये कमल क्या है, लाल लाल चरण कमल, ये कमल के फूल को भी निंदित करने वाला प्रिया जी का चरण कमल है, यही तो स्मरण का अंग है। स्मरण के साथ यथासंभव अब अपने स्वामी के रूप गुण का चिंतन करना, केवल हमको इतने मिनट में पूरा लीला चिंतन कर लेना है ऐसी बात, साधक ये इतना मिनट में हमको पूरा करना पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है तो पूरा लीला कर, अरे कहीं मन लग गया तो अटके रहने, बस ये प्रार्थना। वर्तमान में तो ऐसा होता है
साधक को, लेकिन जब रस की दिन रात होकर के जब चिंतन किया जाता है तो प्रिया जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, साधक का मन किसी एक सेवा, किसी एक अंग की माधुरी में पड़ जाता है और वही वही नियम का स्वागत इसीलिए किया जाता है। श्रीपाद किंकरी के रूप में ध्यान करना, राशेश्वरी का कैसा अद्भुत रास नृत्य है, मणि नूपुरों की झंकार के साथ नगमणि की कैसी अपूर्व शोभा हो रही है, उस पर नूपुर है प्रिया जी अपने नृत्य कर रही है, क्या कर रही है तो बिजली चमक रही, बिजली चमकती है तो बड़ा जोर से आवाज होता है, लेकिन ये बिजली चमक रही बिना आवाज, बिजली के तेज को आंख सहन नहीं कर पाता, आंख अपने आप बंद हो जाता है, हृदय कांप जाता है, बिजली जब कौंधती है तो हृदय भी कांप जाता है, नेत्र भी मूंद जाता है। ऐसा प्रिया जी का देखिए नखमण चंद्रिका का ध्यान है, राधा की नुपुर ध्वनि के साथ चरण नख भी विस्फुर्जन हुआ है, उससे आंखों को चैन मिलता है और हृदय में एक अपूर्ण आनंद रस की लहर दौड़ने लगती है। प्रिया जी का चरण किसी को अनुराग कहते, जो नीलमणि में अनुराग का वर्णन कहते हैं, अनुराग जब स्वयं संवेद्य दशा प्राप्त कर प्रकाशित होता है और जादवाश्रय वृत्ति को प्राप्त करता है उसे महाभाव कहते, महाभाव का स्वरूप अनुराग, स्वयं अनुराग स्वयं वेद्य दशा प्राप्त प्रकाशित जावदाश्रय वृत्तिश्चेत भाव इत्यभिधीय, इसी को भाव का। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं तदेव परम मधुर प्रेम वृत्तिश्च, यही है तदेव, जब गोपियों में महाभाव की वृत्ति प्रचुर रूप में विद्यमान होने पर राधा की ऐसी स्थिति का वर्णन करते हैं उसको उद्रेकमयी कहा गया, ये पराकाष्ठा मादना के भाव का एकमात्र, मादनाख्य महाभाव में एकमात्र राधा रानी ही विराजमान रहती है और दूसरा कोई वहां टिक नहीं सकता, और श्री राधा ही मादन रस की अमृतमयी प्रतिमा है, मादन भाव सुख दुख और मादन भाव का थोड़ा सा एक सेकेंड का विरह मादन भाव नहीं सह सकता, एक क्षण का विरह करोड़ों अरबों और इस ब्रह्मांड के सारे दुख को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, वह भी मादन भाव में जो विरह होता है उसकी दुख का कोई तुलना नहीं कर सकता, इतना दुख किशोरी जी को जितना कष्ट होता है इतना कष्ट किसी नरक में उतना कष्ट नहीं होता। उज्ज्वल नीलमणि में लिखा गया है प्रिया जी को श्री कृष्ण के विरह में जो कष्ट होता है उस कष्ट को देख करके जमराज थर थर कांपने लगता है, बाप समस्त नरक के दुख को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए उतना दुख प्रिया जी को एक क्षण के विरह में हो जाता है। प्रिया जी जब मिलन होता है प्यारे श्याम सुंदर का तो एक सेकेंड एक क्षण के मिलन में इतना सुख होता है कि पूरे वैकुंठ जगत इस ब्रह्मांड के समस्त सुख को इकट्ठा कर दिया जाए तो उस सुख के आगे एक कण भी बराबर, ये है बात, सुख दुख इतना अनुभव कौन कर सकता है। देखो मधुर रस के भक्त ही दुख सहन कर सकते हैं और सुख भी सहन कर, संसार के प्राणी क्या सुख दुख सहन करे, थोड़ा सा सुख मिलेगा रोगी हो जाएगा, नारकी प्राणी में इतनी ताकत ही नहीं कि उतना दुख सहन कर ले जितना मधुर रस के भक्त सहन कर ले, इतना। रूप गोस्वामी तो यहां तक लिखे हैं भक्त रसामृत सिंधु में पीड़ा भिन्न काल कूट कर, इतना कष्ट प्रेमियों को कितना कष्ट होता है ये कोई समझ नहीं सकता, महापुरुषों को जो कष्ट होता है गौर महाप्रभु का कष्ट कोई वर्णन कर सकता है, किसी के कलम में इतनी ताकत नहीं कि गंभीरा के गौर के कोई दुख का वर्णन कर सकते, जो तड़पे हैं वो तो बाहर से थोड़ा थोड़ा दिल दर्शन कर दिया गया है, कितना कष्ट है। धन्य है स्वरूप दामोदर राय रमानंद उस दुख के साथी बने।
महाप्रभु को 18 वर्ष तक झेलवाए। स्वरूप दामोदर राय रामानंद नहीं रहते तो महाप्रभु एक सेकेंड भी जीते। महाप्रभु की भयंकर दुख को यही दो वर्ण गीत गोविंद और विद्यापति के माध्यम से उनकी प्राण की रक्षा कर लेते। नहीं तो प्रेमी, अरे कैसे है प्रेम, प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ने चिन्हा को, प्रेम चिन्हा एक काबिला हृदय विदीर्ण हो जाए। प्रेम कौन सीन सकता है, कौन बचा सकता है, प्रेम क्या है ये केवल बहुत जानते। रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों से कहते थे, अरे प्रेम प्रेम चिल्लाते हो, प्रेम क्या इतना सस्ता है। प्रेम हुआ था गौर को, किसी भी जंगल को देखकर हाँ वृंदावन को अपनी मिल जाते थे, ये प्रेम है। कहीं भी पानी देखकर के हाँ जमुना का अपनी मिल जाते थे, ये प्रेमी के लिए प्रेमास्पद दूर है क्या। वो तो नस नस रक्त प्रवाह में प्रेमी डोलता रहता है, एक क्षण का विरह फिर कैसे संभव, सहन कैसे करता है, गौर कैसे जीवित रहे। राधा रानी को विरहिणी रहता, राधा रानी का कोई दुख कौन वर्णन, कोई वर्णन कर सकता है, हिम्मत की नहीं किसी, प्रिया जी का कष्ट कोई वर्णन करा। धन्य है सखी मंजरिया जो प्रिया जी को जीवित रखती, धन्य है प्रभु का नाम, ये नाम ही रक्षा करता है। प्रिया जी जब भयंकर विरहावस्था में अपने प्राण त्यागने के लिए चलती हैं, तो कृष्ण नाम रक्षा कर देते हैं, ये नाम, कृष्ण नाम लेते ही लगता है कृष्ण आ गए, नाम ताकत, ये नाम ही प्रेमियों का सबसे बड़ा संपत्ति है, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम के बल पर ही जीवित रहते हैं। ये जो प्रेम की पराकाष्ठा है वो मादनाख्य महाभाव एकमात्र राधा रानी में ही विद्यमान है, अन्य जगह कहीं ठीक ही नहीं सकता ये प्रेम। श्री राधा है मादन रस की अमृतमयी प्रतिमा। ये प्रिया जी का शरीर क्या है, ये शरीर नहीं है, ये प्रेम है, ये मादन रस है। लोग कृष्ण राधा रानी पर, राधा रानी का शरीर थोड़े है, शरीर उसकी कुछ नहीं, प्रेम की घनीभूत मूर्ति प्रिया जी, दिखता है कि ये शरीर है लेकिन शरीर और कुछ नहीं, नख में चंद्रा पलोट श्याम। प्यारे किशोरी जी के श्री चरण को लेकर तो अक्षरण क्या हो तो प्रेम ही है प्राण। प्यारे श्याम सुंदर अपने हृदय में लगाते हैं, अपने नेत्र में लगाते हैं, अपने सिर पर धारण करते हैं, कभी कभी प्रिया जी के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करके रोने लगते, खूब रोने लगते, कभी रोने आपको भूल जाते हैं क्या, अरे भाई निधि मिल गए अब क्या चाहिए। हम लोग तो वर्णन करते, क्या कोई वर्णन करेगा, इतनी तक जानता ही नहीं कोई, क्या जानेगा राधा, राधा राधा कहने की, राधा कह महाप्रभु राधा कह नहीं पाते थे, राधा श्री राधा है मादन रस की अमृतमय श्री प्रतिमा, रसिकों की संपत्ति है राधा, राधा किशोरी किशोरी। रास नृत्य के समय उनके अन्यान अंग प्रत्यंग की माधुर्य की बात तो दूर है, उनके श्री चरण मन के विस्फुर्जन के अस्वादन में ही किंकरी आत्महारा अपने आप को। देखिए मंजरियां कृष्ण से बड़ी है, कृष्ण प्रिया जी के चरण कमल को संभाल नहीं पाते, बेहोश हो जाते, मंजरियां उस समय सेवा कर पाते। वही नख कांति का अपूर्व जो विस्फुर्जन देखा गया, सहसा स्फूर्ति का पुराण हुआ, असाधका विश्व में दैन से भरकर प्रार्थना करने लगे, सारा अधिकार मई कदा की कृपा कर। वही राधा रानी उनसे कब कृपा करे, वही किशोरी जी, वही प्रिया जो, वही लाडली जो उस भान जा कब कृपा करेंगी, वे राधा रानी मुझ पर कब कृपा करेंगी, उनकी कृपा से हर लीला माधुरी को मैं कब देख पाऊंगा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 राम। वह प्रिया जी के चरण कमल कब मिलेगा, कब मिलेगा? खैर, मिलने की इच्छा तो किसी को है नहीं, है नहीं ना? प्रिया जी के चरण कमल मिल जाए, ऐसी किसी को अभिलाषा जग जाए। अरे जिस साधक को ऐसे अभिलाषा जग जाए, उस साधक का दर्शन हो जाए, बस जीवन का साधना पूरी हो। वैसा कि कोई व्यक्ति मिल जाए जिसका एक लक्ष्य प्रिया जी का चरण कमल है, और वैसे महापुरुष मिल जाए, बस हो गए। साधना का फल यही, वैसे महापुरुष मिल, क्योंकि बिना महापुरुष की कृपा से प्रिया जी के चरण कमल रज की प्राप्ति होना असंभव है। बस वैसा महापुरुष चाहे जिसका लक्ष्य समाज, वैसे व्यक्ति को खोजता है जिसका लक्ष्य केवल प्रिया जी का चरण कमल, ऐसे कोई महापुरुष नहीं। एक भी प्रकाश के वापी पात्र, कोई एक बिरले महापुरुष होता है। प्रिया जी के चरण कमल में जिसका अनुराग है, श्री राधा के पैर में गिरकर केवल ऐसे अनुराग प्राप्त हो गए एक बार। यही श्री राधा भाव माथुर्य पर लुप्त होकर सखी मंजनियों के सानिध्य में श्याम सुंदर आ जाते। श्याम सुंदर की आराधना यही है। वैसी मंजरियों को खोजते हैं जिनकी राधा निष्ठा है। राधा रानी के चरण के अतिरिक्त जो मंजरी कुछ भी नहीं देखती है, वैसे व्यक्ति को श्री कृष्ण खोजते हैं। अब कृष्ण किसकी पूजा करते हैं? मंजरियों की पूजा करते हैं। निकुंज के दरवाजा पर मंजरियां खड़ी रहती हैं और श्री कृष्ण आराधना करते हैं मंजरियों की। नित्यम परस्य पुरुषस्य सिकंद भवति तस्या कदा रसविदे विश्वकाल जाया तत् केलि कुंज भवनां गणमार्जनस्य। मंजरियों का चरण कमल की आराधना काकु वाणी के साथ श्याम सुंदर करते हैं। किसी को मिल जाए, अरे भाई वैसे महत्पुरुष का संग मिल जाए जिसका लक्ष्य प्रिया जी का चरण कमल, प्रिया जी के अतिरिक्त कोई नहीं देखता। विलाप पुष्पांजलि में तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हम जो कृष्ण का भगत है, भगवान बचाओ, से हमको दर्शन उठाने हमको नहीं चाहिए। वैसे लोगों का संग हमको, जो कृष्ण कृष्ण को कहते रहे हमको नहीं, हमको तो प्रिया जी के जो सेवक है उनका दर्शन। अब प्रिया जी का जो सेवक मिल गया, उसका चरण की आराधना कौन करेगा? चार सुन किस लिए करेंगे कि हम प्रिया जी का दर्शन हो जाए। यही श्री कृष्ण को पूर्ण अनुराग रस सागर की सार मूर्ति कहने का तात्पर्य यही है कि श्री कृष्ण जब राधा माधुर्य रस के आस्वादन में अधीर होकर राधा के पैरों में गिर कर मात्र एक आलिंगन की प्रार्थना कर रहे हैं, बस एक बार मिल जाए श्री कृष्ण को, मिल जाए प्रिया जी का दर्शन। नेत्र में, अंग प्रत्यंग में उस समय सखी मंजरियां उन्हें मूर्त राधा अनुराग ही समझ रही हैं। राधा अनुराग की अतिशयता यही श्री कृष्ण। प्रिया जो मंदिर के मुख पर राधा राधा राधा, हे प्रिया जो, हे किशोरी जो, हे लाडली जो, हे सुभानुनंदिनी जो, मुझे दीनहीन दासी बना बस, मैं कुछ नहीं, आपके निकुंज के दरवाजा पर झाड़ू लगाते रहूं, इतना मुझे सेवा मिल जाए, ऐसी सेवा मिल जाए। अरे झाड़ू लगाने वाले थोड़ा हमें झाड़ू बनाते, हमें जड़ बनाते, अपने निकुंज दरवाजा का पत्थर बना दो, जो भी निकुंज में प्रवेश किए उसका लात हम पर लगता है बस, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। उद्धव साधारण व्यक्ति नहीं है। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, उद्धव कौन है? विष्णु प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत सका शिष्यो बृहस गतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। सुखदेव जी कह रहे हैं ये बुद्धि आज तक इस दुनिया में जितने विद्वान हैं उनका सत्तम है, सर्वश्रेष्ठ। उद्धव जैसे विद्वान कोई नहीं।
भागवत में लिखा गया है श्री कृष्ण को भी जब विपत्ति पड़ती थी कि मैं क्या करूं क्या न करूं तो उद्धव से मंत्रणा लेते थे, इतना बड़ा उद्धव है। और उद्धव जानता है गोपियों की महिमा। उद्धव कहता है बस नन बंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षणस जासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। गोपियों के मुख से जो कृष्ण कथा निकला है वो तीनों लोगों को पवित्र करता है। अब हमको कृष्ण उसके आराधना नहीं करते, कृष्ण भगत था उद्धव ना, अब ब्रज में आकर कृष्ण भक्ति नहीं करते। क्या कहता है, हम वंदे नंदक ब्रजस्त्री, तो कोई स्त्री अपना पैर तो छूने देगी नहीं, ये तो परम पतिव्रता स्त्रियां हैं ब्रज की गोपियां, साधारण तो है नहीं। और उद्धव ब्रह्मा को अपना चरण छुलाएंगे, कभी छूने नहीं। तब कहता है हमको गोपियों के चरण रज मिले, हमको चरण न मिले कोई बात, पाद रेणु मिले। और रेणु कैसे मिलेगा, तब कहता है आसाम हो चरण रेणु जो साम श्याम वृंदावने किम बिगोल मल तौ सदीना। महात्मा लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक बार पंडित बाबा का तबीयत खराब हो गया तो कोई जड़ी बूटी बना दी, कोई बता दिया कि इस जड़ी तो कहे कि ब्रज की जड़ी बूटी नहीं निकालने दूंगा। अब हम लोगों को तो पता नहीं जाते हैं, तोड़ देते हैं कोई पता, लेकिन जो रसिक महापुरुष जानता है कि यहाँ के जितने वृक्ष लता है लता पता है ये उद्धव जैसा महापुरुष है, ये तपस्या करके पेड़ बना है, वृंदावन का पेड़ किस लिए बना है, तो ब्रज गोपियों के चरण रज प्राप्ति के लिए बन गया है। तो पंडित बाबा कहे कि यदि तुम लोगों को ये जड़ी लाना भी है तो जाकर आगरा से लाओ, मध्य प्रदेश से कहीं से लाओ, वृंदावन का कोई जड़ी उखाड़ना, लतो औषधि ना, औषधि ना, जो औषधियां है इसमें ब्रज में, ये औषधियों को मत निकाल। हम लोग तो कुछ जानते नहीं, जा करके किसी को तोड़ देंगे। एक बार मैं गया था और धोती को ऐसे किसी लता पर ऐसे पसार दे सुखने को, इतना महात्मा टाड़ा, इतना टूटे कुछ तुम्हें को पता नहीं लता पता क्या है। तो ये रसिक महापुरुष नहीं जानते, ये रसिकों के अतिरिक्त कौन जानता है वृंदावन की महिमा, रज की महिमा कौन जाने। एक गिरिराज में महात्मा है वो रज लेकर ऐसे से गिराते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति रज है, क्या गंगा, हजारों गंगा भी इसकी तुलना नहीं करे। अरे श्री कृष्ण के चरण के चरण से निकली है गंगा, मुरारी चरण चिंता, और यहाँ तो मुरारी का कितना रज लगा हुआ है, चरण लगा है, देह लगा है, अरे कहाँ तक का है। ब्रह्म मोहन लीला में तो श्री कृष्ण बछड़े बनकर के 84 कोस को अपने जीव से चाटे, ये ब्रजरज की इतनी भारी महिमा, जब एक पूरे ब्रज को ठाकुर जी अपने जीव से चाटे हैं कि नहीं, बछड़े बनकर के चाटते रहे लुटते रहे, तो करोड़ों गंगा से अब ब्रजवृंदा बन के लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो जो रसिक महापुरुषों को बड़ा पीड़ा होते हो, वृंदावन में रह करके भी वृंदावन की महिमा नहीं सुनते, यहाँ की रज एक रज की तुलना करोड़ों गंगा नहीं कर सकता, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयाग, कोई तुलना कर ही नहीं सकता है। इसीलिए तो बड़े बड़े महापुरुष लोग कहते हैं, बस एक कवि था बहुत बड़ा कवि, तो उसको एक स्त्री से आसक्ति थी, राजा उसकी कविता सुना तो बड़ा प्रसन्न, बहुत खुश हो गया, और राजा कहा कि एक बार हमारे दरबार में आकर कविता सुना दो, तो वो सुनाया नहीं, तो लोग कहे कि आपके कहने से तो कभी सुना नहीं सकता, यदि वो स्त्री कह दे तो सुना दे, वो स्त्री पर आसक्त था, तो स्त्री आकर के कहे कि आप सुना दीजिए, वो स्त्री सुना, वो इतना सुंदर कविता सुनाया कि राजा तो प्रफुल्लित हो गया, लेकिन साथ ही उसको इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ, हमारे कहने से नहीं कहा और इसी के कहने से सुना दिया,
तो राजा उसको दंड दिया कि जाओ हमारे देश से, हमारे राज्य से तो निष्कासित, और तुम्हारी जो जिस स्त्री पर आसक्त हो उसको जाने नहीं दूंगा, यही रहा उसको दंड। तुम्हारा वही कवि बंदा बना। देखो भाई, जिसको प्रेम आता है ना करने, प्रेम यदि है तो कहीं लग जाएगा, प्रेम है ही नहीं। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की आंखों को जाने ही क्या, वो तो प्रेमी महापुरुष था कभी। और जब पत्नी का प्रेम हटा और ब्रज में आया तो ब्रज रज से हो गया, उसका रज से प्रेम हो गया। अब बहुत दिन के बाद वो राजा आया और देखा कि अरे वृंदावन का तो सिरताज बना हुआ है, गली गली में वृंदावन की महिमा गाता है, सब लोग उसके चरण में पड़े रहते हैं। तो उसने राजा खुश होकर के कहा कि तुम कुछ कविता सुना दो। अरे वो उसने कहा कि तुम वृंदावन में आए हो, यहाँ का कोई मणि हमको दो, कोई यहाँ का जो कीमती वस्तु को मुझको दे दो। तो कवि बड़ा खुश हुआ, उठाया ब्रजराज उसके मुंह पर मारा, कहा कि इसकी ब्रज की सबसे कीमती वस्तु हमें दे दो। तो उठाया राजा लेकर मुंह पर फेंका, और राजा को इतना अपमान हुआ, तुरंत कहा कि इसको मार दो, दंड शरीर दंड। तो शरीर दंड देने के पहले पूछा जाता है तुम्हारी क्या इच्छा। तो उसने कहा कि यदि हमको आप मारेंगे ही तो हम यदि मर जाएं तो हमारे शरीर को घोड़ा के पैर में बांध करके पूरे ब्रजराज में जलाइएगा मत, न पानी में डुबाइएगा, रगड़ रगड़ करके इस शरीर को रज में मिला दीजिए, रज में रज मिल जाए। तो वैसे महापुरुष महाराज रज की महिमा जानते हैं, ब्रजराज की महिमा अद्भुत महिमा है। इस रस की महिमा कृष्ण जाए, इसीलिए तो खा गए थे ना भगवान, मिट्टी खाए थे ना, किसने खाए थे, वो रस की महिमा जानते हैं। मैया कहती है कि तू मिट्टी क्यों खाता है, मैया तुमको पता ना है हमारे पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत अनंत महात्मा है, सब लोग मुझसे रोज मांगे थोड़ा मुझे ब्रज रख दो, मुझे ब्रज रख दो, तुम्हें खा दिए। एक कृष्ण महिमा जानते हैं, ब्रजरथ की महिमा कृष्ण जानते हैं। जी तो प्रिया जी का चरण कमल है, ब्रज गोपियों का चरण कमल है। अरे महाराज आराधना करना है तो ब्रजरथ की आराधना कर, रज रानी की आराधना कर, एक ही रानी है ब्रज रानी, और उस राज रानी से हमेशा मिलते रहे। एक महात्मा में देखा, उनके चेला लोग बड़ा सुंदर आसन लगाते थे, बेड लगाते थे सोने के लिए, तो सोने के बाद मैं देखा इतना ब्रजरज देखो उस पर छिड़कते थे, ब्रजरज बेडशीट बिछाते थे खूब और उसमें इतना रज लेकर बिठाते, अब फिर रज कर सकते। वो कहते थे मैं क्या करूं, हमारा तो मन करता है रज पर सोने के लिए, लेकिन ये हमारे चेले हमारे काल हैं, इस रज को कहते कि उठन नहीं लग जाएगी तो मर जाएगी, हमको बेड बेड लगा देते हैं, और जब बेड लगा देते हैं तो रज लेकर इतना रज को छिड़क देते हैं।